नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में मस्त होंगे। बहुत सारे भक्तों के लगातार हमारे पास प्रश्न आते हैं कि गुरुजी, दुश्मन से छुटकारा पाने का कोई ऐसा आसान उपाय बताएं जिसको करने से हमारे सभी शत्रु शांत हो जाएं। साथियों, समय समय पर मैं आपको उपाय बताता रहता हूं शत्रुओं से छुटकारा पाने के, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसे उपाय बताऊं जो आपको करने में भी ज्यादा मुश्किल ना हो, और ऐसे उपाय जिनको करने का फल भी आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो ऐसा ही एक आसान और शक्तिशाली उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको करने के बाद आप अपने सभी शत्रुओं को शांत कर सकते हैं और दुश्मनों की वजह से जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उन सभी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हो। अगर आपके शत्रुओं ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है या दुश्मनों की वजह से आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, या आपके बनते हुए कार्यों में बार बार शत्रुओं की वजह से विघ्न आ रहे हैं, तो आपको आज का यह एपिसोड जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस उपाय को करने के बाद आप अपने सभी शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे आपका एक शत्रु है, चाहे दो हैं, चाहे दस हैं, आप अपने सभी दुश्मनों को हमेशा के लिए शांत कर दोगे, पराजित कर दोगे और दोबारा कभी कोई शत्रु आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश छोड़िए हिम्मत भी नहीं कर सकेगा। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का यह एपिसोड, और एपिसोड को आपने पूरा जरूर देखना है ताकि किसी तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए, शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमाम्रियतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, गर्मी का महीना चल रहा है और लू चल रही है, तो ऐसे में आप गर्मी का जो समय है, दोपहर का जो समय है, उस समय जितना संभव हो सके अपने घरों पर रहें, क्योंकि बाहर इस समय बहुत अत्यधिक लू गर्मी चल रही है। इसलिए अपना भी, अपने बच्चों का भी, परिवार का बहुत ख्याल रखें। तो साथियों, जैसा कि आज के एपिसोड के टीजर में आपने देखा है कि जीभ पर रख लेना यह एक चीज और आपके सभी शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। प्यारे दर्शकों, ध्यान से समझना है और उपाय को करने में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, तभी आपको किए जाने वाले उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो चलिए, उपाय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। साथियों, यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना होगा। मंगलवार के दिन आपने एक छोटी लौंग जो होती है, जिसे फूल वाली लौंग बोलते हैं, आपने वो छोटी लौंग लेनी है और उस लौंग को आपने अपने राइट हैंड में पकड़ना है और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः,
निर्वाण मंत्र से आपने लगातार 108 बार निवारण मंत्र का जाप करना है और उसके बाद जो लौंग आपके पास है इस लौंग को आपने अपनी जीभ पर रख लेना है और धीरे धीरे इस लौंग का जो रस है उसे ग्रहण करना है और 1 से 2 मिनट तक लौंग का रस ग्रहण करने के बाद इस लौंग को आपने अच्छी तरह से चबा लेना है और चबा लेने के बाद इसे आपने खा लेना है। एक लौंग आपने केवल लेनी है, मंगलवार के दिन इस कार्य को करना है। अगला मंगलवार जब आएगा फिर से आपने इस प्रक्रिया को दोहराना है और उससे नेक्स्ट मंगलवार फिर से इस प्रक्रिया को दोहराना है। 3 मंगलवार आपको ये करना होगा और अगर आपने 3 मंगलवार बिना बीच में कोई मंगलवार छोड़े इस कार्य को अगर कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बड़े से बड़ा शत्रु कितना ही बलशाली खुद को क्यों ना मानता हो, कितना ही अपने आप को अहंकारी क्यों ना मानता हो, इस उपाय को करने के बाद धीरे धीरे करके आपके शत्रु की सारी शक्ति समाप्त होना शुरू हो जाएगी और मात्र कुछ ही दिनों में आपका जो दुश्मन है आपके रास्ते से हटने के लिए मजबूर हो जाएगा। एक चीज का ख्याल रखना है, जिस समय लौंग आप ग्रहण कर रहे हो उस समय अपने मन में भद्रकाली माता का भी ध्यान करना है कि हे भद्रकाली माता, मेरा जो दुश्मन है अगर आप उसको जानते हैं तो उसका नाम लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो मेरा गुप्त शत्रु है जिसको मैं नहीं जानता, जो मेरा काम बिगाड़ने की चेष्टा कर रहा है, उस शत्रु के संहार के लिए भद्रकाली माता मैं आपका ध्यान करके और आपका ये प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, मेरे सभी शत्रुओं का तुरंत अंत हो जाए ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ये कार्य आपने करना है और प्यारे बंधुजनों अगर आपने सच्चे मन से इसे कर लिया तो जीवन पर्यंत दोबारा कभी आपको शत्रुओं से जुड़ी हुई किसी भी पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के इस उपाय से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप अपना वह प्रश्न कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय मां भद्रकाली, ओम नमः शिवाय।